आज महासंघ के आह्वान पर बोकारो जिले के पंचायत सचिव संघ, कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी, हमारे लेखालिपिक सभी इस धरना पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं विभिन्न मांगों को लेकर के। तो आप लोग पंचायत सचिव संघ हैं? हाँ। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग का तो अभी विशेष मांग है कि एसीपी और एमएससीपी का लाभ हम लोग पिछले 8-9 साल से इस जिला में नहीं मिला है, जिसके चलते बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सेवानिवृत्त कर गए हैं, उनको पेंशन फिक्सेशन में असुविधा हो रही है, किस दर से हो। हम लोग अभी कार्यरत हैं तो 14 वर्ष का सेवा हो गया है, जो 10 साल में ही मिलना था, जो 4 साल से अभी नहीं मिला है। आप बता रहे हैं कि जिला में नहीं मिल रहा है, बाकी जिला में सबको मिल रहा है? बाकी जिला में अपना सब कोई को मिला है, ये सबको मिलता है जो भी सरकारी सेवा में आते हैं। 10 साल, 20 साल और 30 साल में सबको मिलता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किसी का प्रथम है, किसी का द्वितीय है। कि जिला की तरफ से कुछ आप लोग को बोला गया? क्या होगा, हो रहा है, 2-3 बार बैठक का भी डेट दिया गया कि स्थापना की बैठक अमुक तारीख को हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर जो कहती हूँ, आज साल भर से प्रक्रिया चल रहा है। साल भर से? जी। तो वर्तमान में मेरे चैनल के माध्यम से आप किनको क्या कहना चाहते हैं? जिला प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग का ये जो लाभ है एसीपी एमएससीपी का लाभ हम लोग को दे दें। राज्य सरकार आप लोग को स्वीकृति? नहीं, राज्य सरकार की इसमें कोई योगदान नहीं, राज्य सरकार तो नियमावली बना दी है, नियमावली के तहत हम लोग को मिलना है। कि जिला प्रशासन जो है स्थापना की बैठक करके जो योग्य हैं, अर्हता रखते हैं एसीपी एमएससीपी का लाभ लेने के लिए, तो वो हम लोग को रुका हुआ है ये लाभ। हाँ, लाभ नहीं मिलने के कारण किसी को पहला मिलना है, किसी को दूसरा मिलना है, किसी को तीसरा मिलना है, लेकिन ये लाभ नहीं मिलने के कारण हम लोग जो है सो अभी वंचित हैं इससे। चलिए, आज एक दिवस के धारणा पर आप लोग बैठे हैं और ये जो पदाधिकारी हैं जिला के, अगर ये आपकी बात, आप लोगों की बात को नहीं मानते हैं तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे हम लोग अभी आग्रह कर रहे हैं, यदि नहीं होगा तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास तो वही हथियार है कि हम लोग एक दिवसीय या अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। अभी हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को ये लाभ है वो मिलना चाहिए। ब्लॉक का काम का जो है कि आज सिर्फ टफ है, बाकी दिन चल रहा है। हम लोग ब्लॉक से आज ये लेटर दे करके आए हुए हैं कि आज हम लोग धरना पर जा रहे हैं, वीडियो सर को। तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, ये बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय का ये धरना परिसर स्थल है, जहाँ पे कई संघ जो है कि कर्मचारी संघ हो, पंचायत सचिव संघ हो, सैया संघ हो, सारे लोग धरना पर बैठे हैं। इसके पूर्व भी राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्री को उपायुक्त बोकारो के माध्यम से 25 सूत्री मांग पत्र समर्पित किया गया था। बहुत सारी मांगों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। वर्तमान में देखे होंगे आप सभी साथी कि सहायिका सेविका बहनों का नियमावली लागू हुआ। 17 सूत्री प्रमुख मांग को लेकर आज हम लोग राज्यव्यापी धरना के क्रम में बोकारो जिला मुख्यालय पर भी धरना दे रहे हैं। सभी अराजपत्रित कर्मचारी साथी आज धरना में है। हमारे राजस्व कर्मचारियों का विगत 25 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। झारखंड में कई स्कूली छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र लंबित है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आहूत किया गया है, कल से इसका तीसरा चरण प्रारंभ होगा, उसमें भी राजस्व कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। किसी रूप में इनका कार्यक्रम यह सफल नहीं हो पा रहा है, इन लोगों का यदि हड़ताल चल रहा है तो केवल आईवास करने का सरकार काम कर रही है। इसलिए हम मांग करेंगे धरना के माध्यम से कि सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें आगे आकर और तुरंत अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कराना होगा। दूसरा हम लोग का प्रमुख मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल कहाँ पे चल रहा है? पूरे राज्य में राजस्व उप निरीक्षक साथियों, यहाँ एक दिवसीय है, पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और हम ही लोगों के साथ में अराजक कर्मचारी महासंघ के साथ में ही सभी साथी हैं। दूसरा है एकीकृत बिहार के समय से चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का 50% रिक्त पद पर तृतीय वर्ग में प्रोन्नति का लाभ दिया जाता रहा है, जो कि झारखंड बनने के बाद से आज तक किसी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति नहीं हुआ, इसका मांग है। और चौथा जो हम लोग का प्रमुख मांग है कि जो भी तृतीय वर्ग के कर्मी हैं उन्हीं के अनुरूप हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों का पद सोपान के अनुरूप वेतनमान 2400 ग्रेड पे का मांग है,
जो कि हम लोगों के अपने मांग पत्र में रखा है। इन तमाम मांगों को एकीकृत करके 17 सूत्री मांग के आलोक में राज्यव्यापी धरना के क्रम में हम लोग बोकारो में आज उपायुक्त महोदय के समक्ष बैठे हैं। मांग पत्र हम लोग 17 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त महोदय को अभी समर्पित करेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित होगा। अगर सरकार आप लोगों की मांग पूरी नहीं करती, आप बता रहे हैं कि पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या बोकारो से भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा आगे चल के? 17 सूत्री मांगों पर यदि विचार नहीं होती है तो हम लोग इसमें साथ में मांग पत्र के साथ में यह भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि यदि 17 सूत्री मांग पत्र नहीं मानी गई हम लोगों की, तो पूरे राज्य से सभी कर्मचारी झारखंड की धरती रांची पर राजभवन तक हम लोग मार्च निकालेंगे। उसके लिए 7 नवंबर 2022 को तिथि निर्धारित कर की जा चुकी है। पहले सर आपका नाम बताइए। रविंद्र कुमार जी, जिलाध्यक्ष। हम लोग की मांग है जो सन 2019 में समझौता माननीय मंत्री माननीय सेक्रेटरी के साथ हो चुका था, 11 सूत्री मांग था, वो 11 सूत्री मांगों में सारी सहमति बन गई थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में आजकल होता रहा। हम लोगों को बिल्कुल जेन्युइन डिमांड था, जेन्युइन डिमांड पे माननीय मंत्री बोले थे कि ये सब मांगे बिल्कुल जायज है। उसमें एक हम लोग का था ग्रेड पे का मामला, जो ग्रेड पे 2000 का है उसे 2400 करने के लिए कहा गया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं 2400 और लोगों को मिलता है, आप लोगों को भी मिलेगा। समझौता पत्र में हस्ताक्षर भी हो गया, हुआ कि कुछ दिनों में इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। बार बार हमारे संघ के लोग राज्य स्तर में संपर्क बनाए रखे, लेकिन बराबर आजकल टलावा होता रहा। बाध्य होकर के राज्य आई के द्वारा यह घोषणा किया गया कि 16 सितंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले आए हैं, और इस बार पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि जब तक हमारी पुरानी 11 सूत्री मांग जो आपने समझौता के तहत मान लिया है उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। तो सर अब तक कोई सूत्र लिया गया कि नहीं आप लोग जो बैठे हैं? अभी तक में बीते 29 तारीख को हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता में उन्होंने देखा कि यह सब तो मांग पत्र पुराना है और आप लोगों को इसमें जो है सो समझौता भी हो चुका है, तो अब ये बीत का मामला बनता है, इसलिए हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, आगे देखिए प्रयास हम लोग करेंगे। और उन्होंने लिख पत्र को आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति उसमें नहीं मिली है। चलिए सर, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए, लेकिन शॉर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को ग्रामीण टीवी चैनल के माध्यम से क्या कहना? आपके ग्रामीण चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो हम लोगों की जायज मांग को मान लें और अविलंब हम लोगों को दे दें, ताकि हम लोग जनहित में अच्छे से कार्य कर सकें। तो इससे सर जो भी अंचल कार्यालय का कार्य है वो भी ठप पड़ा हुआ? पूरी तरह से अंचल का कार्य बाधित है जी।